में लेके जाएगा कान्या तक। तो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस जैसा कि आज दूसरा दिन हमारा हल्द्वानी में, और मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि आज का प्लान नैनीताल जाने का है। तो उससे पहले जाएंगे हम प्रशांत भाई को उसके सेंटर पे छोड़ने, जो कि 8 बजे का टाइम है रिकॉर्डिंग टाइम उसका। तो उसको मतलब वो 10-10:30 बजे तक फ्री हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे नैनीताल की तरफ। तो पहले तो रेडी हो जाते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह कर जाते हैं बाहर से। तो मिलते हैं फिर आपसे। तो गाइस रेडी हो गए हम, और ये है दाना, दिखाने वाले अपने आपको। दिख ही नहीं रहे धूप में। तो अब चल रहे चाय वाय पियेंगे, ब्रेकफास्ट करते हैं। बोतल ये है दाना का स्कूल, इसमें इसका सेंटर पड़ा है। गाइस आज अभी एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमने कोविड की रिपोर्ट नहीं निकलवाई थी, जो कि वहाँ पे मांगेंगे। सो सॉर्ट आउट हो गया प्रॉब्लम, एक दुकान मिली खुली हुई, क्योंकि सुबह का टाइम है, दुकानें सारी बंद थी। तो हमने निकलवा लिया और अब चलते सेंटर की तरफ। तो भाई को ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। सो फिर मिलते हैं अभी, मैं तो रूम पे चला जाऊँगा, और बाकी ये जाएगा पेपर देगा, बोर होएगा तो पेपर देगा। मैं क्यों होगा, तो होगा बोर, बोर में होगा तो मैं मस्ती करूँगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे, और फिर नैनीताल की तरफ चलेंगे। तो गाइस मैं तो आ गया था रूम पे, और प्रशांत भाई अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो वो आएगा 10:30 बजे तक, फिर हम लंच वंच करेंगे, और एग्ज़िट भी करना है हमें यहाँ से 11 बजे तक, और फिर हम जाएंगे नैनीताल। और नैनीताल हम कैसे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। सो पहले हम यहाँ से जाएंगे हल्द्वानी बस स्टैंड, और वहाँ से पकड़ेंगे हम रोडवेज़ और रोडवेज़ हमें बता देगी नैनीताल। सो बस का किराया जो है वो है 1 बंदे का 100 रुपये। ठीक है, सो मिलते हैं आपको, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और फिर चलते हैं नैनीताल। क्या कह रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पैसे और डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने थे, बाकी तो कुछ नहीं है, मैं क्या दिक्कत है। सो तैयार करो, फिर तैयार हो सभी, हम शूज़ वगैरह पहनते हैं और निकलते हैं। गाइस अभी तो चेकआउट कर लिया रूम से, और अभी बज रहे 11। तो अब हम जा रहे हैं, पहले कुछ खाएंगे और फिर जाएंगे बस स्टैंड, फिर रोडवेज बस पकड़ेंगे नैनीताल के लिए, है ना। तो करूँ नैनीताल के लिए, चलो फिर चलते। तो गाइस ये हमारा सस्ता सा लंच, दाना तो भाई फुल लगा पड़ा छोले भटूरे खाने में। देखो व्यू पीछे का हमारा, तो गाइस अभी हम यहाँ पे रुके थे फोटोशूट कराने, और दाना की एक ही कंप्लेंट रहती है कि ये बंदा कह रहा कि मेरी फोटो अच्छी नहीं आती। अब मैंने इसको क्या बोलूँ, तू भी कुछ बोल ले। फोटो खींचता ही नहीं है मन से, तो कहाँ से अच्छी आएगी। देख मरना तेरे को डर नहीं लगता? नहीं। अभी देखना जो फोटो पोस्ट होगी ना, फिर देखना किसकी बड़ी आएगी, आप कमेंट करके जरूर बता। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादिया गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो डाली डाली फूलों की
मुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। पहले स्टे करते हैं, बारिश से कुछ निकली तो गाइस ये देखो भीमताल अब बारिश हो गई है इधर हमारे आते ही। तो ये देखो कितने सारे फिश है, फिश 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 है इधर। तो गाइस अभी हम इस बोट में जा रहे हैं, भाई साहब बड़ा हो जाएगा। तो गाइस अभी हम बोट में बैठ चुके हैं और तो उतार अब क्या कर रहा हूँ गाइस, अब बोट चल गए अच्छा बारिश में भी चल जाती है भैया का तो दिखा है। और ये हमारे वीडियो बन सकते हैं मेरे ब्लॉग में आ रहे हो, फुल फुल कोहरा हो गया इस टाइम पे यहाँ पे सबको जाम गाइस क्या बताए बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। हाँ नहीं नहीं पहले से ही ले रहा है भाई दिल्ली अरे व्लॉग शूट कर रहा हूँ मेरे व्लॉग में आओगे हेलो कर दो फिर हेलो हाय तो कर दो हो फुल मजे कर रहे हैं। गांव में क्या हो रहा है मौसम चलो ठीक है ब्लॉग में ले अंकल अपना नाम बता दो। मेरा सोनू। और अंकल ने हमें बताया यहाँ पे कहाँ कहाँ अंकल और कौन सी जगह यहाँ पे घूमने वाली पॉइंट है जैसे लवर पॉइंट, बारह पत्ता, हिमालय दर्शन, केव गार्डन, वाटरफॉल, झरना, सरिता था, फूफा ताल, लेकू पॉइंट, ये 11 जगह रहती है उसका टूर होता है। अच्छा उसका लेते हैं हम लोग 1500 रुपये। वो कितने कितना टाइम लगता है उसमें? उसको 3-4 घंटे। 3-4 घंटे बोट वोट से? नहीं नहीं बोट नहीं गाड़ी से। अच्छा सही है। आस पास कौन सी वो है मार्केट है? चिपके मार्केट देखो बड़ा है उधर फिर यहाँ से। हाँ यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी नहीं पैदल जाओ चले जाएंगे अभी तो जान इतना लग रहा है कि पैदल ही जाओ जान जाता है हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी क्या दिल्ली से? दिल्ली के लिए जाती हुई ना सीधी वाली नहीं से जाएगी हल्द्वानी के लिए। मज़ा आ गया ऐसा पता होता ना अपने को
अपने गलती कर दिया अपने ना, छत्ता नहीं लिया, छत्ता लाना चाहिए। बारिश में कल से निकल ही नहीं पा रहे हम, कल से नहीं निकल पा रहे। उत्तराखंड की वाइब ही है यार, बिना बारिश से कोई मजा नहीं है। यहाँ के अपने लगा कि हाँ अपन आए पहाड़ी इलाकों में, यहाँ हल्द्वानी में तो धूप कोई गर्म रहता है। ताला देख नेक्स लेगा तो अभी कुछ होगा। हिमताल झील ये हमारा लगती है और यहाँ फुल वाइब आ रही है भाई, क्या बताऊँ। बोट में बैठ के आराम से जा रहे हैं बिना कोई रोक टोक। हमारी किस्मत में बारिश लिखी है, जब भी हम आएंगे तब बारिश आएगी। उत्तराखंडी कैप लेनी है पहाड़ी वाली, जाएंगे तो तगड़े लग गया। ग्रे कलर भी मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही आया, बहुत मज़ा आया। अनएक्सपेक्टेड था ना, बहुत मज़ा आया। हमें तो लगा पोपट हो जाएगा आज हमारा, पर मिल गया घूमने को है। क्या था वीडियो में तो गाइस इतना मज़ा आया ना मैं आपको बता नहीं सकता। यार मेरे को कोई अगर दिल्ली भी पैदल लेके जाए तो मैं जाने को रेडी हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ इतना मजा आया, बहुत ज्यादा मजा। और हमने तो सोचा था कि बेकार ही हो गया, क्योंकि बारिश आ गई, इतनी तेज आ गई थी बारिश कि प्लान लग रहा था ऐसे हो गया कि अभी तो पहुंचे और जा भी नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद बारिश अब होगी बंद है, बाकी मौसम हो गया ठंडा और कोल्ड भी लग रहा है मेरे को थोड़ा। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, मार्केट में जाके करेंगे हम दवाई लेंगे थोड़ी सी रिक्स 500 प्रमोशन कर दिया हमने, देख लो गाइस। ये है भीमताल, इसमें आपने अभी देखा होगा हमको घूमते हुए। वैसे अभी टोपी ली हमने, ये मार्केट है यहाँ की, हमने ये कैब खरीदी है पहाड़ी कैब, तो दाना का दुकान, दाना स्मार्ट लग रहा है वैसे। सो अब हम वापिस आ रहे हैं बस अड्डे पे, बस पकड़ने गाइस। अभी हम निकले बस पर और फिर हम रात में जाएंगे, यहाँ का मार्केट के 10 बजे यहाँ से निकले गाइस। अभी देखना पड़ेगा वहाँ पे हल्द्वानी में क्या रहेगा, रात भर ही घूमना पड़ेगा। 4 बजे तो निकले और 6-7 बजे पहुँचेंगे, 6-7 बजे पहुँचेंगे। तो अब थोड़ी बाइक पर दिखा सकता हूँ आपको उनकी पहाड़ों की, अगर आई तो मेरे साइड में थोड़ी पहाड़ चल रही है। दाना वाला चोट लग जाएगी। बस कर यार, बस कर, बस भाई बस कर। चलो अंकल चलो, अंकल इधर क्या लेके जा रहे हो, रॉन्ग साइड। सो गाइस अभी दाना ने चलाया रिक्शा और नैनीताल जा रहे हैं, नैनीताल काली बाबा साहिब मंदिर जा रहे हैं। हाँ क्योंकि मेरी बस जाने में 10 बजे जाएगी, तो हमें टाइम है। और अंकल का नाम है प्रेम राजपूत, ठीक है। अंकल का नाम है प्रेम राजपूत और ये आपको बस अड्डे के बाहर ही मिलेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो मिल जाएंगे आपको बस बाहर। हाँ बाहर ही रहते हैं, बाहर ही रहते हैं अंकल, अंकल यहीं रहते हैं। फोटो और कोई भी अगर जरूरत हो तो अंकल से संपर्क कर लेना, अंकल के नंबर हमारे पास आ चुके हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तो अपने वीडियो में देख लीजिए। दाना और कुछ कहना चाहता है?
और तो कुछ नहीं बस, थैंक यू सो मच, पता मैं प्यार दो ज़्यादा। सो गाइस, नैनीताल का टूर तो हो गया ख़त्म और अब हमारी बस है 10 बजे की रात को हल्द्वानी से, जो कि हमें दिल्ली से पहुँचाएगी। और वीडियो को यही करते हैं एंड आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना एंड जो चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब किए मत जाना, और प्लीज़ कमेंट जरूर करना गाइस, क्योंकि ना कमेंट नहीं करोगे ना तो पता कैसे लगेगा मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ क्या नहीं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। दाना हमें लेके जाएगा कहाँ, नैनीताल।